मॉर्निंग। मेरा नाम गणेश व्यास है, राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। एज ए ग्राउंड डायरेक्टर वेस्टिज में मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। और आज आपके सामने जो मैं आया हूँ, एक बहुत बड़ा निर्णय लेके आया हूँ। और ये निर्णय अंदर द्वंद बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसलिए मुझे करना पड़ा। मुझे नहीं पता ये निर्णय मुझे क्यों करना पड़ रहा है, परंतु निर्णय सिर्फ इतना है कि मैं आगे वेस्टिज को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री को 20 साल से कर रहा हूं, और इस 20 साल में मैंने एक पुरानी कंपनी को लगभग 12 साल किया, जहां लगभग 30 से 32 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया। और 6 साल से लगातार मैं वेस्टिज में हूं एज ए क्राउन डायरेक्टर, और मुझे सौभाग्य मिला यहां पहला राजस्थान का ओडीए चेयर बनने का। और बहुत सारे अचीवमेंट मैंने किए, फॉरन ट्रिप्स मैंने किए, 3 से 4 लाख रुपये का पे आउट मैं लगातार ले रहा हूँ। पहले 9 महीने जब वेस्टिज में मैंने स्टार्ट किया था, 1 लाख रुपये का चेक मैंने यहाँ पे ले लिया था। और आज लगभग 70 से 80 हज़ार लोगों की टीम मैं तैयार कर चुका हूँ। और उस टीम के साथ लगातार 18 राज्यों में मैंने काम किया इन 6 सालों में, और मेरी टीम में लगभग बहुत सारे कार अचीवर भी बने। परंतु ये डिसीजन मुझे क्यों करना पड़ रहा, मुझे नहीं आइडिया। आज के 2-3 दिन पहले मैंने कंपनी को रिजाइन लेटर भी भेज दिया अपना। और जब मैंने यह देखा कि मुझे सफलता मिली, पर मेरी टीम में जो सफलता की दरकार थी वो शायद मैं पूरा नहीं कर पाया, या तो मुझ में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु जो चैलेंज आ रहे थे, एक प्राइस को लेकर बहुत बड़ा चैलेंज था, साइड मेंटेनेंस को लेकर बहुत बड़ा चैलेंज था, और प्लान में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से लोग नीचे के लोगों को मैं सफल नहीं कर पा रहा था। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक अंतर्द्वंद चलता है तो आप काम नहीं कर पाते, और वही मेरे साथ हुआ। और मैं वेस्टिज मैनेजमेंट में, जो खासकर दीपक सूद सर, उनका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे 6 साल एज ए बड़े भाई के नाते सपोर्ट किया। मेरी हर परेशानी को उन्होंने समझा और उसको दूर किया, और मैं भी जो जितना दे सकता था 100% उतना मैंने देने की कोशिश की। परंतु कई बार आपके हाथ में ऐसे निर्णय नहीं होते हैं, या आपको ऐसे निर्णय जबरदस्ती करने पड़ते हैं कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। और आज इतनी बड़ी टीम को बिल्ड करने के बाद मुझे डिसीजन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज मुझे वेस्टिज को छोड़ना पड़ रहा है, वेस्टिज को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। और जितने भी लोग जो मेरी टीम में थे, जिन्होंने मुझे 6 साल सपोर्ट किया, उनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इस यात्रा में आपने इतना प्यार मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। और सभी लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे, पर मुझे पता है, मैं सॉरी चाहता हूँ, सॉरी टू से, आगे मैं वेस्टिज को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।